फास्ट न्यूज देख रहे सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज से। पंजाब दे हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ते होर जजा ने पंजाब दे 73 जजा के तबादले के हुक्म जारी किए। इस नाल ही हाई कोर्ट वालों हरियाणा के 61 जजा दी बदलियां भी कर दी गई ने। विधानसभा हलका जलालाबाद 184 पिंड वाली सरकार वालों 253.36 करोड़ रुपया का साल 2022-23 बजट पास होया। इस बजट के पास होने नाल मनरेगा अधीन असल काम करवाए जाएंगे ते इन्हां कामां दे नाल लोकां दी नुहार बदली जाएगी। इन्हां गल्लां दा प्रगटावा हलका जलालाबाद तो विधायक जगदीप कंबोज गोल्डी ने किया। गोल्डी कंबोज ने कहा कि मनरेगा अधीन चार वर्गों च कामां नूं वंडिया गया। उन्हां साफ किया है कि पहला सिर्फ मनरेगा अधीन कागजी तौर पर काम किए जाते सन जिसका कि असल च लाभ देखने नहीं मिले, पर हुण भविख विच लए गए एजेंडियां नूं अमली रूप दे के पिंडां दी जिथे नुहार नूं बदलिया जाएगा उत्थे लोकां नूं रुजगार देने का भी प्रबंध किया जाएगा। अमृतसर के पिंड खैरबाद का मनजिंदर सिंह जो कि एक बच्चे का प्यो है वालों खैराबाद पट्ठे से काम करने वाली तीन बच्चों की मां श्यामबाई छत्तीसगढ़ में भजा के लैके जाने का समाचार प्राप्त होया। मनप्रीत कौर पत्नी मनजिंदर सिंह ने थाना कंबोह विखे दी दरखास्त दसिया कि मैं ते मेरा पति मनजिंदर सिंह खैराबाद किसी के घर काम करते सन। साडा दोवां दा तकरीबन 4 साल पहला प्रेम विआह होया सी ते साडा एक 3 साल का बच्चा भी है। पंजाब कांग्रेस के साबका प्रधान नवजोत सिद्धू की प्रशांत किशोर नाल मिलनी ने नवे चर्चे छेड़ दिए ने। नवजोत सिद्धू ने दिल्ली विच प्रशांत किशोर नाल मुलाकात की है। चोन रणनीति घाड़े प्रशांत किशोर के कांग्रेस विच शमूलियत करन तो इनकार करने मगरों नवजोत सिद्धू ते प्रशांत किशोर की एक सैल्फी सामने आई। नवजोत सिद्धू ने प्रशांत किशोर नाल अपनी तस्वीर ट्विटर से साझी की है। नवजोत सिद्धू ने लिखा है कि पुराने दोस्त पीके नाल मुलाकात हुई, पुरानी शराब, पुराना सोना ते पुराने दोस्त सब तो अच्छे होंदे ने। सियासी हलके प्रशांत किशोर ते नवजोत सिद्धू दी मिलनी नूं रासी नजरिए तो देख रहे ने। चंडीगढ़ शहर च फिर कोविड केस वधदे जा रहे ने। सोमवार भी 9 मरीजां दी पुष्टि हुई सी, उत्थे मंगलवार हुण तक दे सब तो ज्यादा 15 केसां दी पुष्टि हुई है। फरवरी महीने तो बाद इह पहला मौका है जदों एक दिन विच 15 केस दी पुष्टि हुई है। मरीजां विच 7 पुरश ते 8 औरतां ने। कोविड पॉजिटिविटी दर मंगलवार तो वध के 1.7% रिकॉर्ड हुई है। पिछले 6 दिनों में शहर में हुण तक 52 पॉजिटिव केसां दी पुष्टि हो चुकी है। लुधियाना का हलका सेंट्रल सूबे का पहला इस तरह का हलका होगा जिथे के सरकारी स्कूलों पढ़ने वाले विद्यार्थियों को हुण स्कूल समय दौरान खाने लिए फल ते पनीर भी मिलेगा। यह पहल सरकार ने नहीं सगो विधायक अशोक पराशर पप्पी ने सरकारी स्कूलों पढ़ने वाले बच्चों की सेहत के मद्देनजर अपने दोस्तों के सहयोग न शुरू की है। इस लड़ी तहत बच्चों को रोटी सब्जी के नाल होर विटामिन दूजे पौष्टिक तत्वों की लोड़ नूं समझते हुए पप्पी ने हल्के के सरकारी स्कूलों में हर रोज़ फ्रूट ते पनीर उपलब्ध करवाना शुरू कर दिता है। CBSE 10वीं ते 12वीं दी प्रीख्यावां भावें अज तों रस्मी तौर ते शुरू हो गईआं ने, पर भलके तों मुख तौर ते केंद्रां ते प्रीख्यावां शुरू होणगीआं। इन्हां लई सारे प्रबंध पुगरे कर ले गए ने जिसकी जानकारी CBSE दी जिला कोआर्डीनेटर डॉक्टर अनीता भल्ला ने दित्ती है। उन्हां दस्सिआ कि 27 अप्रैल तों मुख तौर ते CBSE बोर्ड दीआं प्रीख्यावां शुरू हो रहीआं ने, जिस लई जिले भर विच 26 प्रीख्या केंद्र बनाए गए ने। इन्हां विच 10वीं ते 12वीं दे 15,000 तों वध विद्यार्थी हिस्सा लैणगे। किसी भी स्कूल का अपना प्रीख्या केंद्र नहीं होवेगा, इस दे होर स्कूलों विच केंद्र होणगे। यमन तो छुड़ाए गए 7 भारतीय मलाहां ने देश चो सुरक्षित वापसी लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। यमन की जिस जगह तो इन्होंने भारतीय नागरिकों को छुड़ाया गया वह जगह हूती बागियों के कब्जे च है। यमन के हूती बागियों ने लाल सागर च 2 जनवरी संयुक्त अरब अमीरात के एक व्यापारी जहाज से कब्जा कर लिया से। इस दौरान 7 भारतीयों के विदेशियों को बंदी बना लिया गया। महाराष्ट्र के पुणे जिले में एक किसान को अपने इत्थे पोती का जन्म होने पर इतनी खुशी हुई कि उसने नवजम्मी बच्ची को घर लियाने लिए हैलीकॉप्टर का प्रबंध किया। पुणे के बालावाड़ी इलाके के वासी अजीत पांडरंग ने बताया कि वह अपनी पोती कृष्णा का शानदार स्वागत करना चाहता था, इसलिए उसने कहा कि जब नवजम्मी को उसकी माँ नानके तो घर लियाने का समय आया तो उसने इसलिए एक हैलीकॉप्टर बुक कर दिया। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान इन दिन अपने आगामी प्रोजेक्ट्स के नाल अपने घर की नवी नेम प्लेट को लेकर भी चर्चा च। शाहरुख ने कुछ दिन पहला ही अपने लग्जरी घर मन्नत की नेम प्लेट बदली है जिसका क्लासी डिजाइन से कीमत चर्चा च है। किंग खान का घर मन्नत हमेशा तो ही किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन तो घट मशहूर नहीं रहा, पर जदों अदाकार ने अपने घर के बाहर नवी प्लेट लगाई है तो लोग नवी नेम प्लेट नाल तस्वीर खिंचा के अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं।
कहना पवेगा कि शाहरुख नाल उन्हां दे घर दी नेम प्लेट भी काफी मशहूर है। नेम प्लेट दी इन्नी गल हो गई है ते इस दी कीमत भी जान लो। सूत्र दसदे ने कि शाहरुख दे घर दी नवीं नेम प्लेट की कीमत 20 तो 25 लाख रुपए। असल च गौरी खान नू कुछ क्लासी चाहिदा सी जो उसके खान परिवार के स्टैंडर्ड नू मैच कर सके ते नेम प्लेट गौरी खान की क्लासिक पसंद नू साफ जाहिर कर दी। पंजाब विधानसभा चोणां च करारी हार तो बाद सरकार वालों साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, साबका उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ते सीनियर अकाली आगू बिक्रम मजिठिया कोलों चंडीगढ़ के सरकारी फ्लैट वापिस लै ले गए ने। पंजाब सरकार वालों तीनों फ्लैट आम आदमी पार्टी के विधायकों नूं अलॉट कर दिए गए ने। दस दिए कि प्रकाश सिंह बादल वाला फ्लैट उन्होंने हराउण वाले गुरमीत सिंह खुडिया नूं अलॉट किया गया। इस तों इलावा बिक्रम मजिठिया वाला फ्लैट चमकौर साहब तो आम आदमी पार्टी के विधायक डॉक्टर चरणजीत सिंह नूं अलॉट होया। इस दे नाल ही सुखबीर बादल वाला फ्लैट दिलराज भुंदड़ के नाते अलॉट किया गया। हुण इह फ्लैट जगरूप सिंह गिल नूं अलॉट कर दिता गया। इस दे नाल ही खबरां दा सिलसिला इत्थे समाप्त हुंदा है। नवीआं ते ताज़ा खबरां दे नाल फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई इजाजत दिओ। धन्नवाद। चढ़दी कला।